हेलो एवरीवन आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ओपियोड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट एंड पार्शियल एगोनिस्ट ड्रग्स के बारे में इससे प्रीवियस जो लेक्चर्स थे हमारे उनमें अपन ने पढ़ा था ओपियोड एगोनिस्ट लाइक मॉर्फिन ड्रग्स के बारे में तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इस टाइप की कैटेगरी में हमारे पास में एक ड्रग है जिसका नाम है पेंटाजोसिन इसके बारे में अपन बात करेंगे पेंटाजोसिन जो है वो एक ओपियोड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट टाइप का ड्रग है और साथ ही साथ में इसके दो चीज़ें अपन ने यहाँ पर बोली हैं वो आपको ध्यान में रखनी है एक हमने बोला यहाँ पर एगोनिस्ट और दूसरा हमने बोला यहाँ पर एंटागोनिस्ट ठीक है तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बात करूँ उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हम बात करेंगे ओप्योर्ड रिसेप्टर्स के बारे में और जो ओप्योड रिसेप्टर्स हैं वो तीन टाइप के होते हैं म्यू रिसेप्टर कप्पा रिसेप्टर एंड डेल्टा रिसेप्टर तो यहाँ पर जो ये एगोनिस्टिक एक्शन हमें देखने को मिलेंगे इसके तो वो हमें किस पर मिलेंगे कप्पा रिसेप्टर पे। तो याद रखना कप्पा रिसेप्टर जो है वहाँ पर हमें पेंटाजोसिन जो है उसके एगोनिस्टिक एक्शन हमें देखने को मिलेंगे जबकि अगर अब हम बात करें यहाँ पर किसकी एंटागोनिस्टिक एक्शंस की तो वो हमें म्यू रिसेप्टर्स पर देखने को मिलेंगे ओके okay, तो एगोनिस्टिक एक्शन हमें कपा रिसेप्टर्स पर मिलेंगे और वीक एंटागोनिस्टिक एक्शन जो है हमें वो म्यू रिसेप्टर्स पर देखने को मिलेंगे साथ ही साथ अगर हमने इस ड्रग का लो डोजेज में अगर क्या यूज किया है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो ओपीओ डिसेप्टर्स जो हैं उनके साथ में ये इंट्रैक्ट करेगा और पेंटाजोसिन जो है इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल मॉर्फिन के जैसा ही होता है और ये ओपीओड रिसेप्टर्स जो हैं वो स्पाइनल सुप्रास्पाइनल रीजन्स में लोकेटेड होते हैं और साथ ही साथ में इनका जो एक्शन है वो पेरीफेरल नर्व जो हैं उनके फॉर्म में भी हमें देखने को मिलेगा अब अपन बात करेंगे कि अगर अपन ने इनको हायर डोजेस के अंदर अगर यूज किया है तो ये सिंपथेटिक स्टिमुलेशन कोज करेंगे इट मीन्स हार्ट पर इनके डायरेक्ट एक्शंस मिलेंगे लाइक like, ये हार्ट की रेट को बढ़ा सकते हैं फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा सकते हैं ए वी कंडक्शन को क्या कर सकते हैं इंक्रीज कर सकते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस जो हैं वो कौन कौन से होंगे भाई तो आपको याद रखना है एनालेशिया रेस्पिरेटरी डिप्रेशन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस नोज़िया एंड वॉमिटिंग कॉन्स्टिपेशन एंड बिलरी स्पाज़म जो है ये हमें देखने को मिलेगा किसके बारे में भाई यहाँ पर जो हमारे पास जो ड्रग है कौन सा पेंटाजोसिन उसके ओके ये जितने भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन अपन ने पढ़े हैं यहाँ पर इनके बारे में आपको याद रखना है कि ये सभी के सभी एक्शन जो हैं वो इफेक्टिव तो होंगे लेकिन इनका जो इफेक्ट है वो मोरफिन से क्या होगा भाई कम होगा तो ये याद रखना ये लेस देन मोरफिन इनका एक्शन हमें देखने को मिलेगा कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट इसके होने वाले हैं तो देखिए सेडेशन नोजिया वॉमिटिंग रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और हेलूशिनेशन जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा एज ए एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट अगर हायर डोज में अगर अपन ने यूज किया है तो इसके कौन कौन से साइड इफेक्ट होंगे तो हमने बोला था कि ये क्या करता है सिंपेथेटिक स्टिमुलेशन कोज करता है तो इनकी वजह से टेकि कार्डिया पालपिटेशन होगा और साथ ही साथ में बीपी जो है वो क्या होगा यहाँ पर इंक्रीज होगा ठीक है तो ये था कि इसके बारे में भाई पेंटा जोसीन के बारे में अब अपन दूसरे एक ओपियोर्ड एगोनिस्ट एंटोकोनिस्ट ड्रग के बारे में बात करेंगे जो कि है ब्यूप्री ऑर्फिन ब्यूप्री ऑर्फिन जो है ये क्या है भाई ये पार्शली एक म्यू रिसेप्टर जो है उसके ऊपर एगोनिस्टिक एक्टिविटी शो करता है और कप्पा रिसेप्टर की बात करें तो वहाँ पर इसके एंटागोनिस्टिक एक्शन हमें देखने को मिलेंगे इससे पहले जब अपन ने पेंटाजोसिन के बारे में बात की थी तो वहाँ पर हमें जो एगोनिस्टिक एक्शन हमें देखने को मिले थे वो कहाँ पर देखने को मिले थे भाई हमें कप्पा रिसेप्टर पर और बात करें अपन किसकी एंटागोनिस्ट एक्शन की यहाँ पे तो वहाँ पर जो पेंटाजोसिन था वो एंटागोनिस्टिक एक्शन रखता था किस पर मियो रिसेप्टर्स पे ठीक है तो ये या आपको याद रखना था और एंटागोनिस्टिक एक्शन जो था वो एक वीक एक्शन था मैं बता दूं आपको यहां पर कि मॉर्फिन जो है एक एनालजेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है मॉर्फिन एक पावरफुल एनालेशिया है ठीक है तो ब्यूप्रीनॉरफिन जो है वो मॉर्फिन से 25 टाइम्स जो है वो मोर पोटेंट है एज एन एनालजेसिक ओके अब इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन कौन कौन से होंगे भाई याद रखना आपको इसका डिले ऑन सेट रहेगा और जो ड्रग डिले ऑन सेट रखती हैं उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो प्रोलोंग्ड होता है एडमिनिस्ट्रेशन इसका पेरेंट्रल भी किया जा सकता है और सब लिंग्वली भी किया जा सकता है और कौन कौन से हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे तो आठ से नौ फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के अपन यहाँ पर बात करेंगे ये मायोसिस कोज करेगा मीन्स इसमें पीपुलर रिकॉन्स्ट्रक्शन हमें देखने को मिलेगा एनालजेसिया भी ये क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं लेकिन इसका जो एनालेशिया है वो मोर पोटेंट होता है किसे भाई मोरफिन से तो मोर पोटेंट टू मोरफिन ओके नेक्स्ट इफेक्ट की अगर अपन बात करें यहाँ पर तो वो है यहाँ पर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ठीक है तो ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो है वो भी कोज करेंगे यहाँ पे और फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी हाइपोटेंशन भी हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर और यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस जो है यहाँ पर वो यहाँ पर ये यह इफेक्ट जो है वो थोड़ा हमें कम दिखाई देगा लेस इफेक्टिव होगा यहाँ पर ये यह। और नेक्स्ट इफेक्ट की अपन बात करें हाइपोटेंशन के बारे में तो सिक्स जो इसका इफेक्ट है वो कौन सा है यहाँ पर हमें नोज़िया एंड वोमिटिंग देखने को मिलेगा यूफोरिया और कॉन्स्टिपेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है ठीक है सिडेशन भी देखने को मिलेगा और सेम जैसे अपन ने बोला फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस इसमें कम होता है लेस होता है सेम वैसे कॉन्स्टिपेशन जो है वो भी इसके अंदर हमें लेस ही देखने को मिलेगा तो ये भी आप याद रख सकते हो यहाँ पे ओके तो ये था किसके बारे में भाई ओपियोड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट के बारे में जिसमें अपन ने दो ड्रग्स के बारे में बात की पेंटाजोसिन और बीओप्रीन ओके थैंक यू